और बता दें, इसी बीच आपको बता दें, बड़ी खबर आ गई है सामने। अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन भर लिया है। कन्नौज सीट पर आपको बता दें, बीजेपी के सुब्रत पाठक से मुकाबला है अखिलेश यादव का। कन्नौज पहुंच चुके थे और अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने कन्नौज से नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। तो बता दें आपको, दोनों ही कैंडिडेट्स, चाहे यहां पर अखिलेश यादव हो, सुब्रत पाठक, उन्होंने भी नामांकन आज ही यहां से इस सीट से भरा है। तो फाइट एकदम टाइट यहां कन्नौज सीट पर देखने को मिल रही है। सुब्रत पाठक सिटिंग सांसद है, पिछली बार भी ये सीट इसी सीट से चुनावी मैदान में थे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं अखिलेश यादव रामगोपाल यादव के साथ पर्चा भरते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ सुब्रत पाठक हैं जो कि अखिलेश यादव के खिलाफ कन्नौज सीट से हैं, सिटिंग सांसद हैं और उन्होंने भी आज ही नामांकन अपने परिवार के साथ पहुंचकर दाखिल किया। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि अखिलेश यादव के स्वागत में ढोल नगाड़ों की तैयारी जो है व्यवस्था यहां पर की हुई थी, पार्टी ऑफिस को पूरी तरह से सजाया हुआ था। अब से कुछ देर पहले ही अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से नामांकन दाखिल किया है और लोकसभा के चुनावी मैदान में अब वो आज से उतर गए हैं। हालांकि नामांकन पत्र दाखिल करते ही आज वो कन्नौज में कार्यकर्ताओं को और वहां पर आम जनता को भी संबोधित करने वाले हैं। दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं नामांकन दाखिल करने। तो नामांकन पत्र दोनों ही अब उम्मीदवार दाखिल कर चुके हैं, पर्चा भर चुके हैं। लड़ाई बहुत ज्यादा दिलचस्प। हालांकि 2019 की बात करें तो आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था अखिलेश यादव ने, लेकिन इस बार कन्नौज सीट, तो अखिलेश यादव का ये दाव कितना काम करेगा ये देखना होगा।